हेलो, गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट, आई एम आल्सो फाइन। सो जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है एयरलॉक सिस्टम के ऊपर, कि ये जो एयरलॉक सिस्टम है ये कहाँ होता है, क्यों होता है, इसके यूजेस क्या हैं और एयरलॉक सिस्टम बनाने के पीछे का कारण भी क्या है। ये सारी चीज़ें मैं आपको आज के इस एयरलॉक सिस्टम के बारे में क्लियर करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। एयरलॉक्स हेल्प्स टू प्रोटेक्ट क्लासिफाइड एरिया दैट मे अकर। चलो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा बहुत समझा दूँ कि ये जो एयरलॉक सिस्टम होता है ये हमारी फार्मा कंपनी में हर एक एरिया के अंदर बनाया जाता है। मतलब कि एयरलॉक का सिस्टम हुआ, एयरलॉक होता क्यों है, एयरलॉक इसलिए होता है क्योंकि ये जो एयरलॉक सिस्टम होता है ये हमारी क्रॉस कंटामिनेशन से हमारे एरिया को, हमारे प्रोडक्ट को बचाता है। ठीक है, एयरलॉक हेल्प्स टू प्रोटेक्ट क्लासिफाइड एरिया दैट मे अकर ड्यूरिंग द मैन एंड मटेरियल मूवमेंट। कि जो एयरलॉक सिस्टम होता है वो क्या करेगा, हेल्प करेगा, प्रोटेक्ट करेगा हमारे क्लासिफाइड एरिया को। वैसे भी हमारी जो क्लासिफिकेशन होती है एरियाज़ की, मैं आपको एक डिफरेंट टॉपिक में आपको बताऊँगी, जो क्लासिफिकेशन होती है एरिया की वो ए बी सी डी चार कैटेगरीज में डिवाइडेड है। सो ये जो टॉपिक होगा ये मैं आपको एक डिफरेंट टॉपिक में क्लियर करूँगी क्योंकि वो बहुत लंबा चैप्टर हो जाएगा अगर मैं अभी बताती हूँ आपको। बट ये सोच लो कि क्लासिफिकेशन होती है, डिफरेंट क्लासेस में हमारा ये जो एरियाज होते हैं उनको रखा हुआ है। तो दैट मे अकर ड्यूरिंग द मैन एंड मटेरियल मूवमेंट, जो क्या करेगा, जब हमारे मैन और जो मटेरियल की जो मूवमेंट होगी उस टाइम ये अकर होता है। और उसी जब हम अपने मटेरियल को लेके जाते हैं या हम लोग खुद मूवमेंट करते हैं तो वहाँ पर हमने एयरलॉक सिस्टम बनाए होते हैं। जैसे बाहर का एरिया कॉरिडोर हो गया, फिर क्यूबिकल एरिया हो गया, फिर अंदर कोर एरिया हो गया जहाँ हमारा बैच प्रोडक्ट अंदर चलता है। ये तीन सेक्शन में उसको डिवाइड किया हुआ होता है, जो उनके बीच का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं एयरलॉक सिस्टम। वो क्रॉस कंटामिनेशन से रोकने के लिए एयरलॉक सिस्टम का यूज़ किया जाता है। इट अवॉइड्स द चांसेस ऑफ क्रॉस कंटामिनेशन, अवॉइड होता है रोकना, ये क्या करे क्रॉस कंटामिनेशन के चांसेस को भी रोकता है। एंड टू सेपरेट, क्योंकि इसमें पता क्या किया होता है, इसमें एक प्रेशर मेंटेन किया होता है जिसको हम डिफरेंशियल प्रेशर बोलते हैं, वो एक एरिया के अंदर मेंटेन किया होता है जिसकी वजह से क्रॉस कंटामिनेशन नहीं होता है। एंड टू सेपरेट, और ये अलग कर देता है हमारे डिफरेंट प्रोसेस एरियाज़ को, कि जो अंदर का प्रोसेस एरिया होगा वो डिफरेंट होगा बाहर का, जो हमारा चेंज रूम बोल सकते हैं या जिसको हम ये बोलते हैं अपना क्यूबिकल एरिया और उसके बाहर का कॉरिडोर एरिया, ये तीनों में एक अलग हमारे क्या होते हैं, एक प्रेशर, अलग प्रेशर होता है उनमें। अगला है दीज ए बी सी डी क्लासिफिकेशन, ये जो मैं आपको ऊपर बताया हुआ था कि दीज ए बी सी डी क्लासिफिकेशन की हमारे जो एरियाज उनको क्लासिफाइड किया हुआ है डिफरेंट पार्ट्स में। ये जो दीज एयरलॉक होते हैं ये प्रिवेंट करेंगे डायरेक्ट, जितना भी हमारा डायरेक्ट एयर फ्लो होगा जिसकी वजह से कंटामिनेशन, फॉर एग्जांपल आप ये सोच लो कि आपके वहाँ पर ये हो रहा है, सॉरी डस्ट आ जाती है, ऐसे कंटामिनेशन बाहर से डस्ट अंदर आती है, इसीलिए हमारे पास वो एयरलॉक सिस्टम होता है। बिटवीन दीज एरियाज ड्यूरिंग द एंट्री ऑफ मटेरियल और पर्सन, चाहे हम लोग अंदर जाएँ चाहे हमारा मटेरियल अंदर जाए, उस टाइम जो एक क्रॉस कंटामिनेशन होता है, जो एयर का एक फ्लो होता है, उस फ्लो को क्या करेगा, ये प्रिवेंट करेगा ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कंटामिनेट ना हो, उस ताकि क्रॉस कंटामिनेशन ना हो। ठीक है, एयरलॉक आर कॉल्ड पाल, जो एयरलॉक्स होते हैं उसको हम पाल भी बोलते हैं, पर्सनल एयरलॉक जो जिस जहाँ से हम लोगों की एंट्री होती है, व्हेन यूज्ड फॉर पर्सनल, जो बोला था देखो जो हमारी एंट्री के लिए लगा होता है वो हो गया पाल, और दूसरा होता है माल। मटेरियल एयरलॉक, जहाँ से हम अपने मटेरियल को लेके जाते हैं, जो मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था, जैसे हमारे पासवॉक्स हो गए, वो आता है माल में। व्हेन यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग द मटेरियल, मटेरियल को ट्रांसफर करने के लिए, इसीलिए हमारे एयरलॉक लगे होते हैं। ये जो एयरलॉक होते हैं ये थ्री टाइप्स में डिवाइड होते हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। देखो तो अब मैंने आपको बताया कि ये जो एयरलॉक्स होते हैं ये थ्री कैटेगरीज में डिवाइडेड किए हुए हैं। फर्स्ट इज़ योर कैस्केड एयरलॉक, सेकंड इज़ योर बबल एयरलॉक, एंड थर्ड वन इज़ योर सिंक एयरलॉक। सो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना कैस्केड एयरलॉक। ये जो आपका कैस्केड एयरलॉक होता है, ये सोच लो कि ये आपका अंदर का कोर एरिया है। कोर एरिया मीन्स कि यहाँ पर आपका क्या प्रोडक्ट चल रहा है, और ये आपका चेंज रूम हो गया जहाँ पर आप गाउनिंग वगैरह अपनी सेकेंडरी गाउनिंग पहनते हो, और ये हो गया आपका, ये वाला जो एरिया होता है ये हो गया कॉरिडोर, जहाँ मूवमेंट हमारी ज़्यादा रहती है, ये हो गया कॉरिडोर बाहर का एरिया। क्या होता है इसमें, जो कैस्केड एयरलॉक होता है वो हमारे ओएसडी ब्लॉक में होता है, जहाँ पर ओरल सॉलिड डोजेस फॉर्म बनती है, फॉर एग्जांपल आपके टैबलेट्स बनती है, आपके कैप्सूल वगैरह बनते हैं, वो हो गया आपका ओएसडी एरिया।
ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कोर एरिया में आपका जो प्रेशर प्रेशर होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, यहाँ पर ज़्यादा होगा, फिर जो आपका क्यूबिकल एरिया होगा उसमें थोड़ा कम हो जाएगा, और जो आपका कॉरिडोर होता है उसमें सबसे कम होता है, ज़्यादा कम और कम, ऐसे आपके जो प्रेशर होता है ये रहता है, प्रेशर डिफरेंशियल जो रहता है वो रहता है, अंदर कोर एरिया में सबसे ज़्यादा, फिर अगर नेक्स्ट इज योर ये आपका चेंजिंग रूम बोल सकते हो या इसको क्यूबिकल एरिया, उसमें थोड़ा कम रहेगा, और बाहर वाला जो एरिया होगा आपका कॉरिडोर वाला एरिया उसमें बिल्कुल ही कम रहेगा, ये ऐसे होता है। तो इसमें इसका जो एग्जांपल है वो है ओएसडी एरिया, ओएसडी मतलब जहाँ आपकी सॉलिड डोजेस फॉर्म की प्रेपरेशन होती है, फॉर एग्जांपल आपकी टैबलेट होगी, जैसे आपकी जो भी टैबलेट बनती है, पीसीएम होगी, स्फिक्सिम होगी, एमोक्सी होगी, ये सारी जो टैबलेट्स बनती हैं ये आपकी कैस्केड एयरलॉक के अंदर आती है। ठीक है, अब बात करेंगे बबल एयर लॉक की। ये जो बबल एयर लॉक होता है ये हमारे डीपीआई में, जहाँ पर आपके पेरेंट्रल का यूज़, जहाँ आपके इंजेक्शन वगैरह बनते हैं वहाँ पर आपके बबल एयर लॉक का यूज़ होता है, जो उसमें डोर लगे होते हैं, आपने देखा होगा अगर आप अभी फार्मा कंपनी गए नहीं हो या आप जब जाओगे फार्मा कंपनी में, तो आपको तीन टाइप के एयर लॉक के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप इंटरव्यू दोगे तो इंटरव्यू में भी मेनली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपके जो एयर लॉक होता है वो कितने टाइप्स के होते हैं, एयर लॉक क्या होता है, एयर लॉक क्यों लगा होता है, क्रॉस कंटामिनेशन को रोकने के लिए। ठीक है, तो सेकंड इज योर बबल एयर लॉक। ये जो बबल एयर लॉक होता है ये आपके पेरेंट्रल एरियाज में यूज़ किया जाता है। ठीक है, बबल एयर लॉक आपका होता है पेरेंट्रल एरिया में, उसमें क्या होता है कि बीच का जो एरिया होगा, जो आपका क्यूबिकल एरिया होगा, उसका जो प्रेशर होगा वो सबसे ज़्यादा रहेगा, और दोनों का जो दोनों एरिया का जो आपके पास प्रेशर होगा वो बिल्कुल इक्वल रहेगा, इन दोनों का एरिया का इक्वल होगा, और जो बीच का होगा वो बिल्कुल ज़्यादा होगा, सेंटर का जो जहाँ पर आप अपनी गाउनिंग वगैरह पहनोगे, चेंजिंग एरिया का जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा, बाकी यहाँ का और यहाँ का एरिया, कोर एरिया का भी और कॉरिडोर का भी वो बिल्कुल इक्वल होगा। ठीक है, ताकि क्रॉस कंटामिनेशन ना हो, क्योंकि ये जो पेरेंट्रल होते हैं, जो इंजेक्शन बनते हैं, आपके ऑप्थेलेमिक प्रोडक्ट्स बनते हैं, आपके आई से रिलेटेड जो बनते हैं वो हमारे बहुत ही सावधानी से बनाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर आपका बबल एयर लॉक होता है। और थर्ड वन इज योर सिंक एयर लॉक, जो आपका लास्ट एयर लॉक है, सिंक एयरलॉक। सिंक एयरलॉक में क्या होता है, बीच का जो एरिया होता है, मींस कि आपका जहाँ आप गाउनिंग वगैरह पहनते हो, क्यूबिकल एरिया जिसको बोलते हैं, वहाँ का जो प्रेशर होगा वो बिल्कुल ही कम रहेगा, ये वाला एरिया बिल्कुल कम रहेगा, आपका कॉरिडोर और आपका कोर एरिया, इन दोनों का जो प्रेशर होगा वो बहुत ही ज़्यादा रहेगा, मींस कि बराबर रहेगा या ज़्यादा रहेगा, बट जो बीच का होगा वो कम रहेगा, ये होता है आपका एयरलॉक। एयरलॉक क्यों होता है ये मैंने आपको बता दिया, जो एयरलॉक होता है वो आपके क्रॉस कंटामिनेशन को रोकने के लिए एयरलॉक का यूज़ किया जाता है। जो एयरलॉक होता है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक इंटरव्यू में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, अगर आप एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो तो भी आपसे पूछा जाएगा, अगर आप फ्रेशर ही ज्वाइन करोगे तो भी आपसे पूछा जाता है, क्योंकि ये हम लोगों ने अपने फार्मा में, अगर आप फार्मा की डिग्री करते हो तो उसमें भी आपने ये पढ़ा ही होगा, क्योंकि हमने एयरलॉक पर उस टाइम हम इतना ध्यान नहीं देते हैं, तो ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक बार आप इस वाले टॉपिक को ज़रूर पढ़ लेना, एक बार वीडियो देख लेना, वैसे मैंने वीडियो में पूरा क्लियर कर दिया तो आप एक बार देख लेना। सो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था एयरलॉक के बारे में, एयरलॉक सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा क्लासिफिकेशन ऑफ एरियाज़ के, जो ए बी सी डी जो एरियाज़ हैं उसमें कौन कौन से हमारे एरियाज़ आते हैं, ये सारा मैं आपको बताऊंगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो इधर ही कंप्लीट होता है। सो थैंक यू सो मच।